जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। क्या है हमारा आज का वीडियो, क्या जानने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं, जो हमारा आज का वीडियो है वो क्लास 8 के एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड है। कैसे करेंगे हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता हो जाए क्वेश्चन क्या है, तो आइए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है, नहीं तो पता चले क्वेश्चन क्या था हमने कर क्या दिया। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्या है क्वेश्चन, अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ टारपोलिन क्लॉथ। क्या कहने का मतलब है, एक सूटकेस है, इनका जो डायमेंशन है वो क्या है, 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर वो है, उसको कवर करना है हमें टारपोलिन क्लॉथ से। अब वो टारपोलिन क्लॉथ हो या कोई भी क्लॉथ हो, हमें यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, हमें फाइंड करना है कितना टारपोलिन क्लॉथ लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। इस तरीके के 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए अगर एक टार्पोलिन क्लॉथ जो है जिसका विड्थ 96 सेंटीमीटर है वो कितना लगेगा। फिर से आ गए हम लोग वहीं पे, देखते हैं वैसे क्या है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। कि अगर जैसे कि क्या है, एक सूटकेस है, मान लेते हैं कि जो सूटकेस है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा। तो वही दिया हुआ है, लेंथ क्या है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 48 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो अब इसे कवर करने एक हम सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे कि एक जो टारपुल एक जो हमारा सूटकेस है उसको कवर करने में कितना टारपुलिन क्लॉथ लगेगा। तो इस तरीके से हम एक का फाइंड करेंगे, फिर इसी तरीके से अगर ऐसे 100 सूट केसेस होंगे तो उसको फाइंड उसका उसको कवर करने के लिए कितना टारगेट क्लॉथ लगेगा, तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब हमें पता चल जाएगा कि 100 को कवर करने के लिए कितना हमें टारगेट क्लॉथ लगेगा, तो अब हमें क्या दिया होगा कि जो टारगेट क्लॉथ है उसका विड्थ 96 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया 100 सूट केसेस का, उसको डिवाइड कर देंगे 96 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मीटर हमें लेंथ चाहिए उस टारपोलिन क्लॉथ का। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली कि कैसे होगा ये, और देखते हैं कि क्या आता है इसका रिजल्ट। तो दिया हुआ है सॉल्यूशन, लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 48 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल गया। अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है कितना टारपोलिन क्लॉथ लगेगा एक सूटकेस को कवर करने में, उसको ढकने में। तो कवर करने में मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, तो ये क्या होगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा सूटकेस का वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, 2 लेंथ क्या है, लेंथ है 80 इंटू ब्रेथ 48, 80 इंटू 48 प्लस ब्रेथ क्या है 48 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ये होगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस हाइट क्या है 24, लेंथ क्या है 80, तो यहां भी हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 80। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, तो देखते हैं। तो यहां पे 8 जा 64, कैरी आया 6, और 84 जा 32, 32 प्लस 6 38, और यहां पे ये 0 प्लस, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाई 24, 84 जा 32, कैरी आया 3, 44 जा 16, 3 19, क्रॉस 28 जा 16, कैरी आया 1, 42 जा 8 प्लस 1 9, अब ये हो गया 2, 9 6 15, कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1150
प्लस 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 क्रॉस 4 8 जा 32, कैरी आया 3, 8 2 जा 16 3, 90। अब ये क्या आ गया, 1920, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 1920। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही होगा। अब इसके आगे की चीज को सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसे और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 2 0 मिलकर के ये हो जाएगा 2, फिर 4 5 9 9 2 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9 9 9 18 प्लस कैरी 1 19, कैरी आया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कैरी 6, तो ये हो गया 6 9 1 2 इंटू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, और ये क्या होगा, जो यूनिट आएगा इसका वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 9 2 जा 18 कैरी आया 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। अब इस तरीके से 100 सूटकेसेस के टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे, तो देखते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेसेस तो ये क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस, तो ये क्या होगा, तो 100 इंटू टोटल सरफेस एरिया 1 सूटकेस का क्या है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा 13824 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 100 सूट केसेस का। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर एक जो टारपुलिन क्लॉथ है जिसका की विड्थ 96 सेंटीमीटर है, ऐसे 96 सेंटीमीटर विड्थ के कितने अगर इस तरीके का जो एक टारपुलिन क्लॉथ है उसका कितना लेंथ का हमें कपड़ा चाहिए ऐसे 100 सूट केसेस को कवर करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो ये जो एरिया है अगर हम बात करें क्या कि ये इतना ही एरिया को हमें कवर करना है और हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ मतलब ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टार्पुलिन क्लोथ इज इक्वल टू, यही एरिया होना चाहिए, तो ये क्या है 13824 00 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 13824 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ दिया हुआ 96 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है 96 सेंटीमीटर, तो अब क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 13824 00 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 96 सेंटीमीटर। अब जब हम इसे 96 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो ये देखते हैं, तो जब हम इसे 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हम इसे कट पिट करते हैं, तो हम अगर इसे कट करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है 24 टाइम्स में, और इसे अगर हम 4 से कट करें तो ये 4 से कट हो रहा है 4 3 जा 12 कैरी आया 1 और 8, 4 4 जा 16 2 2, 4 5 जा 20 2 4, 4 6 जा 24 और ये 00। फिर से अगर इसे कट करें तो ये क्या होगा, ये फिर से 4 से कट होगा, तो ये कट होगा 6 टाइम्स में, फिर से अगर इसे हम 4 से कट करें तो ये कट होगा 4 7 4 8 जा 32, 2 5 4 6 जा 24, 1 6 4 4 जा 16 और ये 00। अब ये किससे कट होगा, तो ये कट होगा 6 से, तो देखते हैं क्या आएगा, तो 6 1 जा 6 और ये 2 6, तो 6 4 जा 24 और ये 2 4, 6 4 जा 24 तो ये आ गया 14400, तो यही है इसका लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है वो होगा 14400 सेंटीमीटर, तो यही है इसका आंसर। हमें कितने लेंथ का चाहिए, हमें चाहिए 14400 सेंटीमीटर लेंथ का टारपुलिन क्लॉथ। तो कैसा था ये क्वेश्चन,
आप कमेंट करके बताइए। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस हमें थोड़ा सा सोचना था जो हमने सोचा। तो क्या है, एक बार फिर से हम इसे डिटेक्ट करते हैं। हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ था, हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया एक सूट केस का। अब हमें क्या करना है, 100 सूट केसेस को कवर करना है। तो हम जो 8 सूट केस का एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया 100, तो हमें 100 सूट केसेस के एरिया मिल गया। अब हमें 100 सूट केसेस कवर करने के लिए कितने एरिया की क्लोथ की जरूरत होगी, तो जितना 100 सूट केस का टोटल सरफेस एरिया होगा उतने की ही। तो ये जो एरिया होगा टर्बुलेंट क्लोथ का वो भी इतना ही होना चाहिए। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ हमें दिया हुआ था 96 सेंटीमीटर, तो हमने यहां पे पुट कर दिया 96 सेंटीमीटर। अब ये 96 जब उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा और इसको कट करके हमने ये 14400 सेंटीमीटर लेंथ फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दे वीडियो को। थैंक यू।